बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका फिर से एक बार खदीजा इन्फो में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है ईद जा चुकी है, हमारे पास गोश्त ही है जो ज़्यादा मिकदार मौजूद है, तो हम सोचते हैं क्यों ना रोज़ नई नई चीज़ें बनाएं, खुद भी खाएं, अपने फ्रेंड्स को भी खिलाएं। फ्रेंड्स, आज जो है हम पेशावी नमकीन गोश्त की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें, उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये हाफ़ के जी जो है हमने मटन लिया है, और इसके बाद हमने ये ग्रीन चिलीज ली हैं, यानी कि सब मिर्चें। ये नमक है हमारे पास हाफ टेबल स्पून, आप अपने यानी कि जायके के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, और ये हमने यहाँ पर ज़ीरा और सूखा धनिया, इसको हमने इकट्ठा यानी कि पीस लिया है। इसके बाद हमने ये अदरक लिया है, इसको हमने जूलियन कट कर लिया है, ये देखें अदरक। और इसके बाद हमने ये लिए काली मिर्चें, इनको भी हमने पीस लिया है दरदरा सा। और इसके बाद जो हमने 1 लीटर पानी लिया है, आप 2 गिलास भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जो है अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह बहुत इजी रेसिपी है, आइए चलते हैं रेसिपी बनाने के लिए। फ्रेंड्स, हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने ये ऑयल लिया है 1 कप, इसमें हम ये जो है ये गोश्त तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाह मान रहे हैं। ये गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है, इसने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है। अब जो है हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड करेंगे। इसके साथ ही हमने ये जो सूखा धनिया और जीरा लिया था, इसको हमने पीस लिया था, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे। और काली मिर्च का पाउडर, अब हम इसे 5 मिनट के लिए भूनेंगे। टेंस से हमने जो है मसाले को भून लिया है, अब हम इसमें ये ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, यानी कि साबुत मिर्चें थोड़ी हम बचा लेंगे, थोड़ा मिक्स मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही हम ये पानी डाल देंगे इसमें, फ्रेंड्स आधे घंटे में हमारा गोश्त गल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करके इसे 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। ये पेशावी नमकीन गोश्त है, इसमें कुछ ग्रेवी वगैरह नहीं होगी, जस्ट ये गोश्त होगा। बहुत ही इजी और मज़े की रेसिपी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये देखें, फाइनली हमारी डिश रेडी हो चुकी है, इसने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। आप इसे चाहें तो इस स्टेज पे इसको उतार सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल खुश बना सकते हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं, उससे पहले जो है हमने चीज़ें बचा के रखी थी, हम उसको गार्निश करेंगे। फाइनली हम इसे डिश आउट करेंगे। फ्रेंड्स, फाइनली हमारी नमकीन पेशावरी गोश्त की रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़े की बनी है। फ्रेंड्स, आप तो इसको ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।